नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी समर्थकों और ग्रामीणों के बीच झड़प होने की खबर मिल रही है। खंडोरी गांव में जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी अंदर सिंह कंसाना से भी ग्रामीण भिड़ गए हैं। कंसाना के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच पथराव की खबरें भी मिल रही हैं। कंसाना से ग्रामीणों की बहस होने के बाद समर्थक भड़क गए और यह बवाल बहुत देर तक चलता रहा। तो इस वक्त यह बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है, जहां बीजेपी समर्थकों और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर निकल करके सामने आ रही है। खंडोरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी एंदल सिंह कंसाना पहुंचे थे और इस दौरान ग्रामीणों की उनसे झड़प हो गई और जैसे ही यह झड़प आगे बढ़ी, समर्थकों और ग्रामीणों के बीच पथराव हो गया। बहस हो रही थी ग्रामीणों और बीजेपी प्रत्याशी के बीच, जिसके बाद बहुत देर तक यह बवाल चलता रहा। लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन की यह दूसरी बड़ी घटना निकल करके सामने आई है। इससे पहले डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को थाने के अंदर धमकी देने का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर के वो थाने पहुंचे थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। और उसके बाद अब यह बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अंदर सिंह कंसाना से ग्रामीण भिड़ गए हैं। जैसे ही यह बहस आगे बढ़ी, समर्थकों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी आगे बढ़ती है, इसी के बीच पथराव भी देखने को मिला। खंडोली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, ये तस्वीरें खंडोली गांव से, जहां बीजेपी प्रत्याशी से ग्रामीण भिड़ गए। इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी है और उनसे बहस होने लगी ग्रामीण और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। उनसे जान लेते हैं, तृप्ति, जो तस्वीरें निकल करके आई हैं बहुत कुछ बयां करती हैं, क्या कुछ कहेंगी, जमीनी हकीकत क्या कुछ है, क्यों ये झड़प हुई, क्यों विवाद ने इतना बड़ा रूप लिया, क्या कहेंगी? तृप्ति, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क हमारी सहयोगी तृप्ति से नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये मुरैना विधानसभा सीट की तस्वीरें हैं, जहां खंडोरी गांव से ये वीडियो निकल करके सामने आया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी अंदल सिंह कंसाना संपर्क के दौरान इस गांव में पहुंचे थे और इस दौरान ग्रामीणों और उनके बीच बहस होने लगी। बहस जैसे ही आगे बढ़ी, बीजेपी प्रत्याशी अंदल सिंह कंसाना के समर्थक और ग्रामीण आपस में उलझ गए और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं। तृप्ति, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो तो बहुत कुछ बयां करती ही हैं, जमीनी हकीकत क्या है, क्यों इतना विवाद हुआ, ग्रामीण क्यों उलझ रहे थे बीजेपी प्रत्याशी से? देखिए,
जी विकास जी, जैसा कि वहाँ पे एक प्रोग्राम था खांडोली गांव में, एदल सिंह कंसाना जी का कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कोई पुरानी वीडियो जो 2 साल पहले जिसमें गाली गलौज कर रहे थे उसको लेके आप भी वहाँ पे उन्हीं के समुदाय के लोगों में झड़प हुई कि इस तरीके से पहले वीडियो वायरल हुआ है इस तरीके को उसको लेके, तो एदल सिंह कंसाना जी ने वहाँ थोड़ी झड़प हुई, तब ग्रामीणों ने वहाँ पे पथराव करना शुरू किया। क्या कुछ जानकारी मिली है प्रशासन की ओर से, कोई कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को? अभी इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तृप्ति इस जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनादि टीवी के माध्यम से सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पथराव किया जा रहा है, दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। बीजेपी प्रत्याशी एदल सिंह कंसाना मौके पर पहुंचे थे, वहां चुनावी संपर्क के दौरान ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है।